क्या इंडिया में लॉकडाउन दोबारा लगेगा? गाइज यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, और इतना ही नहीं 2021 का अगर मैं डेटा उठाकर देखूं तो मोस्ट लोगों ने ये सर्च किया है कि हाउ टू डाउनलोड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या इंडिया मैंडेटरी करेगा यानी कंपलसरी करेगा। तो गाइज मैं आपको यहां पर बता दूं, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन काउंसिल ने, उन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया गया है, और इतना ही नहीं सिंगापुर और अदर एशियन कंट्रीज ने भी इसे 1 फरवरी 2022 के बाद इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या इंडिया में लॉकडाउन लगेगा और क्या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया जा सकता है। तो गाइज आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइज सबसे पहले मैं अगर कोविड केसेस की अगर बात करूं तो मैं ये जब स्क्रिप्ट बना रहा था यानी 9th of January 2022 को, तब इंडिया में नए केसेस 1,59,632 नए केसेस सामने आए हैं। गाइज अब जो सक्रिय केसेस की संख्या है वो है 5,90,000 और इनमें से डेथ हुई है 327 लोगों की। अब गाइज ये जो डेटा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब आज की डेट में हम अगर कहें कि ये अपने पास्ट को दोहरा रहा है। जैसे पिछले बार कोविड जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद जब ये अचानक से एक बूस्ट देखने को मिला था, वैसे ही आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, ये कोविड तो संसद में भी पहुंच चुका है जिसमें 400 लोग लगभग संक्रमित हुए हैं। अब हाल ही में तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी संक्रमित हो चुके थे, और दिल्ली में इसके पिछले साल मतलब अगर मैं 7th मई 2021 की बात करूं तो 20,000 केसेस हमें देखने को मिल रहे थे। पर अगर हम आज के ये डेटा देखें, आज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आज भी हमें दिल्ली के अंदर ही 20,000 नए केसेस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम ये दोनों डेटा को कंपेयर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली तो बराबर ही है, पर यहाँ पर इन डेटा के अकॉर्डिंग हमारा मेन क्वेश्चन तो यही है कि क्या लॉकडाउन लग सकता है। तो गाइज अगर मैंने जितनी भी रिसर्च करी है तो मुझे इसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं ये बात सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, मैं सारे के सारे डेटा के बेस पर ही बात बोल रहा हूँ। अब जैसे जब कोविड आया था और तब लॉकडाउन जब लगाया गया था, तब हमारे पास कोई कोविड के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव वैक्सीन भी नहीं थी और इफेक्टिव मेडिसिन भी नहीं थी, पर आज की डेट में हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन भी है और इफेक्टिव मेडिसिन भी है। पर यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है तो इतने सारे कोविड केसेस क्यों मिल रहे हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका एक बेनिफिट जरूर हुआ है, लास्ट ईयर के मुकाबले अभी का रिकवरी रेट वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। जी हाँ गाइस, जो लास्ट ईयर डेथ परसेंटेज था वो काफी हद तक इंक्रीज था, पर आज की डेट में हमें इतना डेथ परसेंटेज देखने को नहीं मिलता है। तो उसका एक रीजन वैक्सीन भी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट लोग इम्यून हो चुके हैं और उनके बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी क्रिएट हो चुकी है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सिर्फ कोविड ही हमारे पीछे नहीं पड़ा है, ओमिक्रॉन भी अब पीछे पड़ चुका है। तो यहाँ पर मोस्टली लोग ये डाउट कर रहे हैं कि क्या वैक्सीन ओमिक्रॉन को हरा पाएगी। सो गाइज मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई कि ओमिक्रॉन आखिर कोविड से कैसे अलग है। सो आपको इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा, सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब गाइज यहाँ पर लॉकडाउन ना लगाने का सेकंड रीजन मुझे ये देखने को मिलता है कि जैसे दिल्ली के सीएम ने भी हाल ही पे अपना एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला था कि वो लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, और इतना ही नहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी लॉकडाउन लगाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप डेली के न्यूज़ सुनते हैं तो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो काफ़ी जगहों की रैली कर रहे हैं, मतलब वो कुछ दिन पहले कभी उत्तराखंड और कभी पंजाब की रैली में देखे गए हैं। पर यहाँ पर से एक बात तो साफ हो जाती है कि उनका ज़्यादातर ध्यान इलेक्शन की तरफ ही है, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो लॉकडाउन लगाने के इतने फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन की डेट होती है उनको भी अनाउंस कर दी है। अगर मैं पंजाब और उत्तराखंड की बात करूं तो सिंगल फेज की जो वोटिंग है वो 14th ऑफ फरवरी को कंडक्ट की जाएगी, ऐसे ही मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को कंडक्ट की जाएगी, और यूपी में ये वोटिंग 7th फेज में आपको देखने को मिलेगी, और ये 7th फेज की वोटिंग होगी फरवरी में 10 तारीख को, 14 तारीख को, 20 तारीख को, 23 तारीख को और 27 तारीख को, और मार्च के 3 तारीख को और 7 तारीख को, और गाइस 10th ऑफ मार्च तक इसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाले तो इलेक्शन से पहले लॉकडाउन लगने का आसार काफी कम दिख रहे हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के फेवर में होती तो इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस नहीं करती। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, WHO ने ये कहा है कि 2022 के मिड तक
जो भी कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है वो 70% से ज़्यादा वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। पर यहाँ पर अगर मैं इंडिया का डेटा उठाकर देखूँ तो इंडिया में 60% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, मतलब 60% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 90% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो इस बात पर तो कोई भी डाउट नहीं कि 2022 के मिड तक इंडिया 70% तक क्रॉस नहीं करेगी, वो डेफिनेटली 70% तक क्रॉस कर लेगी। अब इस वजह से जो इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी तो कोविड का खतरा थोड़ा कम जरूर होगा। अब गाइज मैं आपको एक 2021 का एक डेटा उठाकर देखूँ तो यहाँ पर मोस्टली लोगों ने ये सर्च किया है कि हाउ टू डाउनलोड कोविड सर्टिफिकेट। जी हाँ गाइज, और उन्होंने ये भी सर्च किया है कि क्या वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी करेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ डेटा जरूर दिखाना चाहूंगा। अब गाइज यहाँ पर मैं अगर दूसरे कंट्रीज की बात करूं, जैसे यूरोप की बात करूं, तो यूरोपियन काउंसिल ने इन्हें अपने कंट्री में तो 100% मैंडेटरी कर दिया है। जी हाँ गाइज, अब जैसे इंडिया में आधार कार्ड के बिना काम होते ही नहीं है, तो वैसे ही यूरोप में अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वहां पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है। अब गाइस यूरोप को देखते ही मोस्टली कंट्रीज ने भी ये स्टेप उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 1 फरवरी 2022 तक सिंगापुर और अदर एशियन कंट्रीज में भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। पर यहां पर अभी इंडिया के लिए कोई भी ऐसी न्यूज निकल कर नहीं आई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इंडिया में सारी जगह आप बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जा सकते हो। तो इंडिया में भी अलग अलग सेक्टर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मोस्टली मॉल्स में या एयरपोर्ट में और रेलवे में नहीं सफर कर सकते हो। अब गाइज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या इंडिया में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी किया जाएगा, तो गाइज यहां पर इसके आसार तो जरूर लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया के मोस्टली सेक्टर में तो ये अप्लाई कर दिया गया है। पर अगर कोविड के केसेस ऐसे ही निकल के आते हैं सामने तो इसे डेफिनेटली अप्लाई जरूर किया जाएगा, क्योंकि कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ चुका है। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।